हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने के लिए जा रहे करेला तीयन। ये बनाने के लिए हमको करेला, प्याज, सबसे मुख्य इंग्रेडिएंट इमली, उसका पानी, एज यूजुअल हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर या तो अक्का धनिया और थोड़ा सा नारियल, करी पत्ता, राय। अभी हम करेले का तीयल कैसे बनाते हुए देखते। करेले का सब्जी बनाने के लिए हम सबसे पहले करेला अच्छे से वॉश करना पड़ेगा और उसके बाद इसका अंदर का बिया इस तरीके से पूरा निकाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर कर रखा हुआ है। भी इसका ऊपर का स्किन नहीं निकाला। ये देशी हो तो ज़्यादा कड़वा लगेगा, ये देशी नहीं है। और इसके साथ हम एक प्याज डालती हूँ। जितना करेला है उसका आधा हम ओनियन लिया हो तो ज़्यादा अच्छा है, इसका टेस्ट बराबर आ जाएंगे। और वो भी हमने छोटे छोटे टुकड़े में कटिंग करके रखा हुआ है। इसमें देख सकते हैं करेले का क्वांटिटी ज़्यादा है, ओनियन का क्वांटिटी कम है। अभी हमको इमली चाहिए। इमली हमारे करेले का क्वांटिटी के हिसाब से ये बनाते ही इमली का पानी में, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इमली चाहिए। और वो भी अपना कटास के हिसाब से हमको लेना है। और इसका अंदर पानी डालकर इसका पल्प निकालकर रखना है। ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये पूरा होल इमली रखा हुआ है। ये केरला स्टोर में मिलते हैं। और दूसरा हमको अक्का कोरिएंडर, होल कोरिएंडर का पाउडर हो तो भी चलेगा। और थोड़ा नारियल, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची, ऑयल, नमक, राई और ही, थोड़ा सा करी पत्ता। गैस को ऊपर रखकर गर्म होने तक इंतजार कर देंगे। गर्म होने के बाद उसका अंदर 2-3 टीस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टेबलस्पून राय, 20 के अंदर हम रेड चिल्ली और करी पत्ता, एक बार जरा स्प्रेड कर देंगे वो तेल के अंदर। फ्राई अच्छे से फूटने के लिए शुरू हो गया। अभी हम चॉपिंग कर कर रखा हुआ ओनियन एक बार वो भी हलाएंगे। अभी इसका अंदर करेला, करेला हमेशा वॉश करने के बाद ही कटिंग करना, कटिंग के बाद वॉश नहीं करने का। अभी हम एक बार ऑयल में अच्छे से मिक्स कर देंगे।
थोड़ा हल्दी, हाफ टेबल स्पून हल्दी, वन टेबल स्पून रेड चिल्ली, ये सब अपना टिक्के के अनुसार डालना। और मैं थोड़ा सा हींग अभी डालती हूँ, बाद में मसाले में भी डालना है। हम हाफ टेबल स्पून नमक, वो भी एक बार अच्छे से मिक्स करकर ढक्कन से बंद करकर रखेंगे। मिक्स हो गया। अभी हम ढक्कन से बंद करकर दो तीन मिनट तक ऐसा ही मीडियम फ्लेम में रखेंगे। बीच में एक बार देखना पड़ेगा, और वो पकने के टाइम में हम दूसरा कढ़ाई में ऑयल वन टेबल स्पून ऑयल, और ऑयल गर्म होने के बाद उसका अंदर हम होल दाना डालती हूँ। होल दाना ही इसलिए सबसे पहले डालती हूँ, अगर पाउडर है तो बाद में डाल देना लास्ट में। ये भी हम थोड़ा बड़ा बर्नर है तो मीडियम फ्लेम में ही कर लेना, नहीं तो बहुत जल्दी ये जल जाएंगे। भी मैंने सिम में रखा क्योंकि वो जल्दी ब्राउन कलर हो जाते, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज्यादा तेल लिया हुआ है। आप लोगों को इतना तेल नहीं चाहिए तो आपके हिसाब से वन टेबल स्पून में कर सकते हैं। और अभी इसका अंदर नारियल, ये मैंने मिक्सर का अंदर पाउडर जैसा कर दिया। फ्रेश नारियल लेना है, फ्रेश नारियल लिया हो तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएंगे। ये भी हम एक बार अच्छे से फ्राई कर देंगे। बहुत ज्यादा ब्राउन कलर आने का जरूरत नहीं है। एक बार नारियल का कच्चापन निकलना है। जब भी ये फ्राई करते हैं तो थोड़ा पेशेंस चाहिए, हाई फ्लेम में रखकर नहीं कर सकते, थोड़ा मीडियम फ्लेम में रखकर ही करना पड़ेगा। कोई भी कढ़ाई हो अच्छे से हिलाना है, नहीं हो तो नीचे चिपक सकते हैं। करेला अच्छे से फ्राई हो गया, और किसी को बिल्कुल करेले का कड़वापन पसंद नहीं है तो वो लोग थोड़ा ज्यादा टाइम तक ये फ्राई कर देना। एकदम पतला और ब्राउन कलर तक होने तक करेंगे तो बिल्कुल कड़वापन नहीं लगेगा। इधर तो थोड़ा सा चलेगा, इसलिए मैं अभी इसका अंदर इमली का पानी डालती हूँ।
पानी एक ग्लास डाल देती हूँ। अपने क्वांटिटी के हिसाब से इमली का पानी ले लेना और पल्प में थोड़ा पानी मिक्स कर सबसे पहले हम डाल देंगे, उसके बाद जितना जरूरत है उतना पानी डालते हैं। भी थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में रखकर हम ये पकने देंगे। करेला और ओनियन सब पहले से पक चुका है, अभी सिर्फ इमली का कच्चापन निकलना है। तब तक हम मसाला मिक्सर में पीस कर आ जाएंगे। हम टेस्ट कर देखते हैं इसका अंदर साल्ट और इमली का कटापन सब। अभी इसमें और थोड़ा, अभी हम इसमें और थोड़ा नमक का जरूरत है, पहले थोड़ा ही डाला हुआ था इसलिए अभी हम इसमें पीसा हुआ मसाला भी डालती हूँ। अच्छे से पीसा हुआ है मसाला, आप लोग देख सकते हैं जितना पानी चाहिए उतना मैंने डालकर ही पीसा हुआ है। उसके बाद मुझे सादा पानी का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए इसलिए, और आप लोगों को अगर पानी डालने का जरूरत पड़ लिया बॉयल वाला पानी ही डालना, कच्चा पानी बिल्कुल डालना नहीं। मैं ये दो दिन के लिए बना रही हूँ इसलिए इतना ज़्यादा है क्वांटिटी। हमेशा ये सब्जी एक दिन के बाद यूज़ करते हो तो ज़्यादा टेस्टी होता है, इसलिए इधर सबको पसंद भी है। अभी हम ये उबाल आने तक फिर से ढक्कन से बंद कर रखेंगे। मीडियम फ्लेम में ही रखना, हाई फ्लेम में रखकर उबाल आ गया तो पूरा बाहर निकल जाएंगे नारियल। मीडियम फ्लेम में ही रखकर अभी हमारा सब्जी देखेंगे, अच्छे से उबाल आया हुआ है, पूरा तेल ऊपर आया हुआ है, ऐसा ही चाहिए हमको, और कलर भी बहुत बढ़िया सा है। और ये रोटी के साथ भी और गरम गरम चावल के साथ भी हम खा सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, बहुत ज्यादा पानी नहीं, बहुत ज्यादा थिकनेस नहीं, ऐसा ही चाहिए इसका स्ट्रक्चर। अब ये सब बराबर है, इसमें भी मैं इसका अंदर दो तीन करी पत्ते का बंच इसका अंदर ऐसा डुबा कर रखती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा करने का, और इसका स्मेल और फ्लेवर सब इसका अंदर आ जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा रखा हुआ है। अभी ढक्कन से बंद करूं, गैस बंद ऑफ करती हूं, और जब हम डिश में निकालते हैं तब ये बंच मैंने बाहर निकालने के बाद ही सर्व करती हूं। अभी ये कढ़ाई में दो तीन मिनट तक छोड़ना पड़ेगा, इसके बाद हम सर्विंग प्लेट में या डिश में निकाल देते।